बसमिल रहीम याकनाब उया कनस्तिन मैं मुखातिब हूँ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वसिन नकवी से मैं मुखातिब हूँ आई जी इस्लामाबाद से मैं आज उस वाक़े के हवाले से बात करना चाहता हूँ जहाँ हमारे बयासी के करीब लोग एक संजानी की एफ़ आई आर में अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने उनको डिस्चार्ज कर दिया जब वह वहाँ से उस एफ़ आई आर में सब के सब डिस्चार्ज कर दिए गए तो उन्हें एक और सेक्रटेरिएट थाने की एफ़ आई आर के अंदर नामज़द करके वहीं गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन्हें अटक जेल की तरफ तीन प्रिजन वैन् में मूव किया जा रहा था ये मैं बात यहाँ आपके नॉलेज में दे दूँ कि उन बयासी लोगों में हमारे के पी के से एम पी एस भी शामिल है हमारे के पी के के सरकारी मुलाजमन भी शामिल हैं जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफ़र कर रहे थे उन तीन प्रिजन वैन में तो अचानक फैसल टाउन के करीब से उन्हें गाड़ियों को वापस मोड़ के लाया गया छब्बीस नंबर के पास फिर तरनौल की अदूद में उन्हें रोक के तरन थाना के एस एच ओ शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन के शीशे तोड़े दरवाजे खोले और जबरदस्ती तमाम प्रिजन को जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे उनको बाहर ला के खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें तीन प्रिजन वैन में से दोबारा कहूँ सबको निकाल के बाहर खड़ा किया गया है वो इस वक्त भी वहाँ सड़क पर खड़े हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हम नहीं भागेंगे आपकी पुलिस कोई ड्रामा करना चाहती है आपका एस एच ओ कोई ड्रामा करना चाहता है और हम ये समझते हैं कि ये आपके ईमा पे हो रहा है और मैं आपको ये वाजे बता देना चाहता हूँ चाहे वजीर दाखिला हो चाहे आई जी इस्लामाबाद हो या पंजाब की चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इन ओछे हथकंडों से इन घटिया हरकतों से बाज आ जाएं जो ड्रामा आप करना चाहते हैं वो ड्रामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कामयाब नहीं होने देंगे मैं तमाम मीडिया को मतव करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हमारे लोग वहाँ खड़े हैं और वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि वो जेल जाएँगे जहाँ उधर उनको ले जाया जा रहा था मगर वो भागेंगे नहीं ये आ, कोई आ, प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें ये हमारे लोगों को किसी और एफ में किसी और वकूल में फंसाना चाहते हैं हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है के पी की भी और हमारे जो लोग हैं हमारी पार्टी वो सख्त तरह का एक्शन जो है वो लेगी और बिल्कुल हम इस किस्म की किसी हरकत को माफ़ नहीं करेंगे मैं आपको तंबी करना चाहता हूँ कि आप इन नातों से बाज आएँ और उन दोस्तों को कानूनन जिस जगह पे उनको पहुँचना चाहिए फौरी पहुँचाएँ थैंक यू वेरी मच